नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, निवेश के लिहाज से साल 2020 कठिन समय रहा। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद निवेशक 2021 में एक बार फिर स्थिरता की ओर देख रहे हैं। ऐसे में उनके सामने नया पोर्टफोलियो बनाने और पुराने को बेचने की चुनौती भी है। आइए हम आपको नए साल में पैसे लगाने और निकालने की समस्या का समाधान करती एक रिपोर्ट बताते हैं। फंड एवं बाजार सलाहकार का कहना है कि 2020 में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 1.15% घटाकर 4% कर दिया। जैसे जैसे ब्याज दरें नीचे आईं, बांड की कीमतें बढ़ी और डेट में म्यूचुअल फंड निवेशकों को फायदा हुआ। लंबी अवधि के बॉन्ड जैसे गिल्ड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड ने औसतन 15% रिटर्न दिया। कॉरपोरेट और बैंकिंग PSU फंड ने भी 10% से ज्यादा रिटर्न दिया। 2021 में वहाँ यहाँ से लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई और सरकार के भारी भरकम कर्ज से ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश नहीं होगी। कम अवधि वाले या 10 फंड खरीदें। लार्ज कैप UTI निफ्टी इंडेक्स और HDFC इंडेक्स फंड, मिड कैप ICICI निफ्टी, UTI निफ्टी, नेक्स्ट 50, HDFC मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, मल्टी कैप पराग पारीख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सिस मल्टी कैप, स्मॉल कैप DSP स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज। 5 साल से कम समय है तो इक्विटी से दूर रहें, FDRD और डेट फंडों का इस्तेमाल करें। निवेशक ध्यान दें कि 5 से 10 साल का लक्ष्य है तो 60% डेट उत्पाद में और 40% इक्विटी में पैसे लगाएं। 10 साल से ज्यादा निवेश लक्ष्य के लिए 40% डेट और 60% इक्विटी उत्पादों का इस्तेमाल करें। 6 से 7% औसत रिटर्न डेट उत्पाद से और 10 से 12% रिटर्न इक्विटी से औसतन मिल सकता है। मार्च की बड़ी गिरावट के बाद पूंजी तरलता और कम ब्याज दर के सहारे शेयर बाजार 80% की रिकॉर्ड तेजी भी पा चुका है। दुनिया भर की सरकारें और केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दे रहे हैं। इसका लाभ बाजार को मिला और 2021 में भी क्रम जारी रहने की उम्मीद है। इससे IT, फार्मा, रसायन, दूरसंचार, FMCG व क्वालिटी लार्ज कैंप में तेजी आएगी। निवेशक अर्थव्यवस्था में सुधारों से जुड़े इन क्षेत्रों के शेयर खरीद सकते हैं। बैंकिंग और रिटेल क्षेत्र से जुड़े शेयरों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस दौरान इक्विटी पोर्टफोलियो को हल्का बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर के शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाएं। इसमें वह कंपनियां शामिल हैं जिनका प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में काफी खराब रहा। मल्टी कैप स्टॉक में पैसा लगाना आगे भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आप भी क्या इनमें से किसी पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।